देखिए दर्शन कर लीजिए आप सभी। और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में है, आज तो पूरा घाट डूबा हुआ है, पूरा आरती स्थल। आपको स्टील का ये रेलिंग नजर आ रही है ना, यहाँ तक नॉर्मल रहता है। गणेश जी के दर्शन आप सभी करते जाएं। तो बारिश का दो दिन का रेड अलर्ट है हरिद्वार में और बाकी जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। कुछ ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन राफ्टिंग अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए दर्शन करें, भूतनाथ मंदिर है। बारिश ऐसे होती रही तो गंगा मैया का और भी जल स्तर बढ़ सकता है। सबसे खास घाट है ऋषिकेश का, देखिए दर्शन करें। पहाड़ों में जो लगातार दो दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा जी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। जल का जो बहाव है ना, वो पुल से टकरा रहा है। ऋषिकेश के ताजा दृश्य, ताम झूला के शानदार सुंदर नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्नान करने से बचें। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज 13 सितंबर का दिन है और आज भी बारिश जारी है। दो रात हो चुकी है और कल का पूरा दिन और आज भी बारिश जारी है। तो अभी आपको हर की पैड़ी से दर्शन कराएंगे और उसके बाद ऋषिकेश की ओर ले चलेंगे। ऋषिकेश के ताज़ा दृश्य कैसे हैं, वहां पर हाल क्या है, गंगा जल का बहाव कितना है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो पहले हरिद्वार के दर्शन आपको अच्छे से कराते हैं। देखिए दर्शन कर लीजिए आप सभी। बारिश अभी भी चल रही है और बहुत ही कह सकते हैं घनघोर घटा, काले बादल छाए हुए हैं और कभी भी ये बारिश जो है काफ़ी तेज हो सकती है। चार धाम यात्रा की बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको देंगे, रास्ता कैसा है, क्योंकि कल के दिन वहाँ पर कई जगह लैंडस्लाइड हुई थी, बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो रास्ते में फंसे हुए हैं, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं, ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए पहाड़ों में अभी भी धुंध छाई हुई है। चंडी देवी मंदिर के पहाड़ हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा धुंध है। और ऋषिकेश जब पहुँचेंगे वहाँ से तो सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ तो हरिद्वार में गंगा जल की कई धाराएँ हैं, लेकिन ऋषिकेश में एक ही धारा है, तो वहाँ पर जल का बहाव पता चलेगा कितना तेज़ है जल का बहाव। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना और शेयर ज़रूर करना, जो भी जानकारी दी जाती है आप लोग आगे बढ़ाइए, लोगों को जानकारी पहुंचनी चाहिए। अब चलते हैं ऋषिकेश की ओर। दोस्तों हमने रायवाला पार कर लिया है, अब हम पहुंच चुके हैं नेपाली फार्म। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से रास्ते की वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पर जाकर बारिश हमें एक बंसी ही मिली है। तो यहाँ से जो राइट हैंड का रास्ता है ये जाता है ऋषिकेश की ओर, और लेफ्ट साइड में देहरादून की ओर। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, नीलकंठ मार्ग गंगोत्री गौमुख मार्ग जो है ये राइट साइड वाला है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऋषिकेश में कैसा मौसम है, कितनी बारिश वहाँ पर हो रही है। तो वीडियो में बने रहें और पूरा देखना है लास्ट तक आप सभी को। आपको यहाँ के हम अच्छे से दर्शन कराएंगे और कुछ ऐसे दृश्य दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो घाट है ऑलमोस्ट डूब चुका है। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर करते जाएं और लास्ट तक आप सभी को देखना है। और उसके बाद हम जानकी झूला की तरफ जाएंगे, परमार्थ निकेतन की ओर जाएंगे, राम झूला की तरफ जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन आपको दर्शन भी बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं। दोस्तों अब मैं त्रिवेणी घाट के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। त्रिवेणी घाट के गेट में ही महादेव विराजमान है। ये देखिए गेट है बड़ा सा, और यहाँ से एंट्री करते हैं, पूरा त्रिवेणी घाट आपको विजिट कराएंगे। बहुत ही बड़ा घाट है, बहुत ही सुंदर सा घाट है, और यहाँ की गंगा आरती जो है पूरे विश्व में फेमस है। बहुत सारे श्रद्धालु जो है गंगा आरती देखने आते हैं, बहुत ही अच्छे से होती है। 2 घंटे जो आरती होती है उसमें तैयारी भी होती है, बीच में संगीत भजन भी चलते रहते हैं, तो टोटल जो टाइम है 2 घंटे का बहुत ही अच्छा बीतता है। यहाँ पर देखते हैं गंगा जल का बहाव कितना है, क्योंकि हरिद्वार में तो पता ही नहीं लगता, मेन धारा से पूरा जल जो है निकल जाता है, और हर की पैड़ी में तो पूरा कंट्रोल में जल रहता है। ये जो जगह है ना, ये है आरती स्थल। पहले हम आपको गंगा जी के दर्शन कराते हैं। ओह आज तो बहुत ही ज़्यादा जल का बहाव है, आज तो पूरा घाट डूबा हुआ है। देखिए
पूरा घाट, आरती स्थल पूरा इस समय डूबा हुआ है। आइए आरती स्थल दिखाते हैं। आज तो पहाड़ों में जो बारिश, जबरदस्त बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है, जिसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये देखिए पूरा आरती स्थल, जहाँ पर आरती होती है, पूरा डूबा हुआ है। और जो गंगा जी की लहरें हैं ना, ये और ऊपर आ रही हैं सीढ़ियों पे, जो टॉप की सीढ़ियाँ हैं, बस थोड़ा सा और बढ़ जाए तो ये पूरा सरफेस जो है, ये जो पूरा प्लेन एरिया है, ये भी पूरा डूब जाएगा। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से पहले ही रेड अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि हरिद्वार में एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता है कि कितनी बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ों में तो धुआंधार जोरदार बारिश हो रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। पूरा आरती स्थल डूबा हुआ है, और बाकी जो घाट है वहाँ पर भी हम आपको ले चलेंगे। और यहाँ पर गणेश जी का पूजन हो रहा है। यहाँ हर वर्ष गणेश उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही बड़ा पंडाल लगाया जाता है, बहुत ही सुंदर गणेश जी की प्रतिमा लाई जाती है। तो अभी हम वहाँ के भी दर्शन आप सभी को कराएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें। पहले हम आरती स्थल के अंदर चलते हैं और पास से आपको दर्शन कराते हैं। पूरा आरती स्थल डूबा हुआ है। ये देखिए, और गंगा जी की लहरें कितनी तेज आगे बढ़ रही हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जाता है, और गणेश जी की प्रतिमा देखकर आप भी बहुत ही प्रसन्न होंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सच में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिए गणेश जी के दर्शन आप सभी करते जाएं। दोस्तों अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। यहां पर भोलेनाथ जी का एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए, इतने अच्छे से आप सभी को हम दर्शन करा रहे हैं, तो इतना सपोर्ट तो आप सभी से मिलना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए भोलेनाथ जी हैं, माता पार्वती जी, और भोलेनाथ की जटाओं में गंगा जी विराजमान हैं। देखिए, और ये देखिए गंगा जी की, देखिए कितना जल नज़र आ रहा है। जल का बहाव जब बढ़ जाता है ना, तो धारा की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि ये पूरा एरिया खुला रहता था, यहाँ पर श्रद्धालु आराम से जाकर स्नान करते थे, लेकिन पूरा डूबा हुआ है। जहाँ तक ये आपको स्टील का ये रेलिंग नज़र आ रही है ना, यहाँ तक नॉर्मल रहता है, यहाँ तक जल नहीं रहता है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक लगभग 30 फीट जल जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए जल ही जल यहाँ नज़र आ रहा है, और ये बारिश की वजह से सब कुछ हुआ है। अब मैं आपको जानकी झूला पुल के पास ले चलता हूँ, और वहाँ से भी अच्छे से दर्शन कराऊँगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में है, और जल देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। दोस्तों थोड़ी देर पहले जो है ना बारिश रुक गई थी, लेकिन अब फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो बारिश का दो दिन का रेड अलर्ट है हरिद्वार में, और बाकी जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ की जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल जो है फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो हैं, पूरा पेड़ का पेड़ बहकर गंगा जल की धारा में हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचता है। ये देखिए दो बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी हैं। ये पहाड़ों से जब बहाव जल का बढ़ जाता है, तो जल के साथ ये बहते हुए नीचे आ जाती हैं। आगे भी कुछ लकड़ियां रखी हैं। जब पहाड़ों से तेज़ बारिश का बहाव बढ़ जाता है, तो गंगा जल की धारा में बड़े बड़े पेड़ जो हैं कई बार गिर जाते हैं, और बहते हुए फिर हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचते हैं। देखिए आगे भी रखा हुआ है, ये देखिए। अब मैं आपको लेकर जानकी झूला पुल के पास चलता हूँ। बहुत ही ख़ास जगह है, एक मेन जगह बन चुकी है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं, जो बाइक हैं, स्कूटर है, वो जानकी झूला से ही निकलती हैं, तो एक मेन जगह बन चुकी है। तो थोड़ा सा समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जानकी झूला पुल के पास और यहां पर गंगा जल का बहाव देखिए कितना तेज आपको दिखाई दे रहा है। जानकी झूला पुल के आपने दृश्य देखे, वहां पर आरती स्थल डूबा था और यहां पर वो घाट डूबा है जहां पर नॉर्मल लोग स्नान करते हैं। तो अभी हम आपको यहां के चारों ओर के दर्शन कराएंगे और आपको एक बहुत ही खास मंदिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज वो मंदिर बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा है और आप सभी जानते भी होंगे भूतनाथ मंदिर। जब भी जानकी झूला पुल की हम वीडियो बनाते हैं तो आप सभी को भूतनाथ मंदिर के भी दर्शन कराते हैं, तो वीडियो में बने रहें और पूरा देखें और शेयर जरूर करते जाइए। जानकी झूला पुल के पास देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्लेन एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना प्लेन है, उसके बाद आगे जाकर लोग स्नान करते हैं, लेकिन आज तो ये पूरा एरिया डूब चुका है। लिमिटेड श्रद्धालु यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि दो दिन से बारिश हो रही है। आप सभी यहाँ के दृश्य देखते जाइए और गंगा जल का बहाव देखिए कितने तेज़ है, रौद्र रूप गंगा जी का नज़र आ रहा है। 10-15 दिन पहले गंगा जल का बहाव नॉर्मल हो गया था, यहाँ तक कि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जल्द राफ्टिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन राफ्टिंग अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के आसपास ही राफ्टिंग शुरू होगी, क्योंकि जल जब नॉर्मल हो जाएगा तभी राफ्टिंग शुरू होती है। और आपको राम झूला दिखाना चाहेंगे, राम झूला भी यहाँ से नज़र आ रहा है, हालाँकि अभी मैं पास से ले चलूँगा और पास से दर्शन कराऊँगा। और देखिए ये है राम झूला और ये है परमार्थ निकेतन घाट, और परमार्थ निकेतन घाट भी जो है ना पक्का डूबा होगा। देखिए जो शिव जी की जहाँ प्रतिमा है ना, उस पुल के ऊपर से गंगा जल इस समय चल रहा है। ये परमार्थ निकेतन घाट और ये वो मंदिर है जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे, भूतनाथ जी का मंदिर। कितना प्यारा लग रहा है ना, हरे भरे पेड़ों के मध्य में, जैसे कि कोई फ्लावर निकलता है ना, जब फ्लावर खिलता है तो पूरा पत्ते अलग होते हैं और जैसे सूरजमुखी का फूल है, तो हरे भरे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर निकला है। देखिए दर्शन करें, भूतनाथ मंदिर है, इतिहास तो आप लोग जानते होंगे यहाँ का। जब भोलेनाथ की बारात हरिद्वार आ रही थी तो रात हो गई थी, शॉर्ट में मैं आपको जानकारी देता हूँ, तो रात हो गई थी तो भोलेनाथ की बारात यहीं पर रुकी थी, भूतनाथ मंदिर। कई बार यहाँ की वीडियो बनाई है, और अगर आप लोग मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है, और पूरी अगर वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं वो वीडियो भेज दूंगा, आप अच्छे से दर्शन भी कर पाएंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ये जानकी झूला में, जानकी झूला के पास से दर्शन कराते हैं और उसके बाद हम चलेंगे परमार्थ निकेतन घाट की ओर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप सभी ने दर्शन तो कर लिए हैं, यहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए हैं जो यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देंगे और गंगा जल का बहाव जो है ये कब बढ़ा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले तो आपको प्रणाम। पंडित जी क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रविशंकर पंडा जी है। अच्छा, तो आप इसी घाट में रहते हैं? हाँ, इसी घाट पर जानकी सेतु घाट है ये। हाँ जी, यहाँ पर इस समय आप हैं, ये जानकी सेतु के नाम से ये घाट को जाना जाता है। ये जल का बहाव जो इतना ज्यादा आज रौद्र रूप गंगा जी का देखने को मिल रहा है, ये कब से हुआ है? ये कल से हुआ है, कल से बारिश होने के ऊपर पहाड़ी पर काफी बारिश हो रही है और गंगा सीधे जल गंगा में आ रहा है, यहाँ को रोक नहीं। यहाँ से 200 किलोमीटर टेहरी बांध है जहाँ पर गंगा जी का अस्थायी रूप से रोका गया है, उसके बीच में कोई रुकाव नहीं, लेकिन जल बारिश होने अधिक होने के कारण इस समय गंगा मैया का रुद्र रूप है। तो कल रात 10 बजे से जल का बहाव तेज हुआ है, 10 बजे से रात से ये जल बढ़ना आरंभ हुआ है और धीरे धीरे अभी बारिश ऐसे होती रही तो गंगा मैया का और भी जल स्तर बढ़ सकता है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ की जानकारी दी। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि कल रात 10 बजे से जल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और आपको पता होगा पिछले दो दिन से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, ऋषिकेश में बारिश हो रही है और हरिद्वार में बारिश हो रही है, उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं सभी जगह पर ज़्यादा बारिश हो रही है, इसी की वजह से ही ये असर देखने को मिल रहा है। और अगर आज ऐसे ही बारिश रही तो ये जल का जो बहाव है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब हम चलते हैं, आपको परमार्थ निकेतन घाट के आसपास के दृश्य दिखाएंगे। अब मैं आपको लेकर
चलता हूँ जो जानकी झूला पुल है, पास से भी कुछ दर्शन करा दे, नहीं तो आप लोग ही कमेंट करेंगे कि दूर से तो आपने दिखा दिया, पास से भी दिखाइए। बस वीडियो ये बड़ी है लेकिन पूरा देखना, आपको जानकारी मिल जाएगी, मौसम की जानकारी मिल रही है, गंगा जल की अपडेट की जानकारी मिल रही है आप सभी को। ये देखिए जानकी झूला पुल पर एंट्री करते हैं। इसमें तीन मार्ग हैं, बीच वाला जो है ये ध्यान रखें, कई बार लोग गलती कर देते हैं, ये जो बीच वाला मध्य मार्ग है ना, ये आने और जाने के लिए पैदल मार्ग है, और साइड के दोनों मार्ग जो हैं ये बाइक से आने जाने के हैं। दर्शन करें, जय गंगे माता लिखें, जय सीता माता लिखें, क्योंकि जानकी माता, जानकी जो सेतु है, माता सीता के नाम पर ये सेतु का नाम रखा गया है। अब मैं आपको चारधाम यात्रा की ताज़ा अपडेट बताना चाहूँगा। पिछले दो दिन से चारधाम यात्रा पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। बारिश के कारण अलग अलग जगह पर कुछ श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिनमें सोनप्रयाग में 2500 श्रद्धालुओं को रोक के रखा गया है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो ख़राब है और बारिश ज़्यादा हो रही है। इसी वजह से सोनप्रयाग में 2500 श्रद्धालुओं को कल रोक दिया गया था, क्योंकि कल आगे जाने के लिए मना किया गया था। कह सकते हैं कि कल के दिन सोनप्रयाग से आगे जो यात्रा थी उसको स्थगित कर दिया गया था। वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम के लिए, तो वहां पर भी रास्ते में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और काफ़ी ज़्यादा जो रेत है, पत्थर है, वो आ गया है, जिसकी वजह से 2000 श्रद्धालु जो है वो फंसे हुए हैं। और जैसे ही ट्रैक साफ़ होता है, जैसे ही रोड साफ़ हो जाता है, फिर श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जाएगा। ऐसे ही गंगोत्री धाम में भी कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं चार धाम यात्रा में इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है जो श्रद्धालु आगे यात्रा पर गए हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी दो तीन दिन जो हैं वो हालात अच्छे नहीं हैं, कल का दिन भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, और उसके बाद जब मौसम सही हो जाए तभी आप यात्रा का प्लान करें। मौसम में एक बार ज़रूर आप चेक कर लें और अच्छे से जानकारी करने के बाद ही चारधाम यात्रा का प्लान करें। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं परमार्थ निकेतन घाट के पास, और यहां पर जल का बहाव जो है इस सीज़न में, इस मानसून के सीज़न में मैंने इतना बहाव नहीं देखा है। बहुत ही ज़्यादा जल आ रहा है। भोलेनाथ की जहाँ पर प्रतिमा है, देखिए इस तरफ भोलेनाथ की जहाँ पर प्रतिमा है, जो पुल है पुल के ऊपर प्रतिमा है, तो पुल के ऊपर से इस समय गंगा जल आगे बढ़ रहा है, और जो आरती स्थल है परमार्थ निकेतन का वो पूरा डूबा हुआ है। तो अभी हम आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। उसके बाद राम झूला की तरफ आपको ले चलेंगे, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। लेफ्ट साइड में घाट पड़ता है, ये घाट है परमार्थ निकेतन घाट, सबसे खास घाट है ऋषिकेश का। और राइट साइड में परमार्थ निकेतन आश्रम है, ये आश्रम है बिल्कुल सामने है। तो पहले हम आपको घाट के अंदर ले चलते हैं और गंगा जल का जो रौद्र रूप है अच्छे से दर्शन कराते हैं। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय। यहाँ पर हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा, एक सुंदर सी प्रतिमा। आप सभी दर्शन करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने वाले जितने भी भक्त हैं उन्हें हनुमान जी बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए एक विशाल काय हनुमान जी की प्रतिमा। और अब मैं घाट के अंदर ले चलता हूँ, और ये घाट भी पूरा ही डूबा होगा जल में। आपने त्रिवेणी घाट देखा, वो भी डूबा था आरती स्थल। जानकी झूला पुल के पास जो घाट है वो भी देखा, वो भी काफ़ी हद तक डूबा था, और यहाँ पर भी वैसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे। और यहाँ तो जल का बहाव और भी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है। देखिए दर्शन करें, भोलेनाथ जी आपके सामने हैं, सबसे फेमस प्रतिमा है ये भोलेनाथ की। दर्शन करें आप लोग, और देखिए आज जल देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। जहाँ पर भोलेनाथ की प्रतिमा है उस पुल के ऊपर से जल निकल रहा है। जब मैं जानकी झूला पुल के पास था तभी मैंने बता दिया था आपको कि आज जो है परमार्थ निकेतन में जल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, पूरा आरती स्थल डूबा हुआ है, पुल के ऊपर से जल आगे बढ़ रहा है। दर्शन करें सभी लोग।
हर हर महादेव लिखते जाइए। और अब जो है ना, यहाँ पर स्नान करना रिस्की भी हो जाता है, हालांकि रस्सियाँ बांधी गई हैं, यहाँ पर रेलिंग नहीं है सेफ्टी के लिए, लेकिन रस्सी बांधी गई है, सावधानी से स्नान करना है आपको। और बारिश जो है फिर से शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। देखिए धीरे धीरे जल जो है इस वाली सरफेस में चढ़ना शुरू हो चुका है, देखिए जल इस तरफ भी आ रहा है, देखिए कितना ज़्यादा जल आ रहा है। मैंने इस सीजन में, इस मानसून में इतना ज़्यादा जल नहीं देखा है, हालांकि इतना ज़्यादा जल आया तो है लेकिन मैंने नहीं देखा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इस मानसून में इतना ज़्यादा जल। देखिए पुल को टच करते हुए और थोड़ा सा और बढ़ जाए ना तो ये परमार्थ निकेतन की जो सीढ़ियाँ हैं, जो प्लेन वाला सरफेस है, वहाँ भी जल पहुँचने लगेगा। अभी थोड़ी देर में हम राम झूला की तरफ ले चलेंगे और वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये जल आज आपको ज़्यादा दिख रहा है, अगर पहाड़ों में बारिश कम हो जाती है एक दो दिन में तो फिर ये जल नॉर्मल हो जाएगा। ये सभी पहाड़ों की बारिश पे डिपेंड है, तो ऐसा नहीं है कि अभी जल है तो आप लोग, अगर आपका आने का प्लान है 3-4 दिन बाद तो उसको भी आप कैंसिल कर रहे हैं, अभी भी आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहाड़ों में बारिश होगी तो जल का जो बहाव है वो कम ज़्यादा तो होता ही रहता है। ये वीडियो 13 सितंबर के दिन के है, ऋषिकेश के, आप देख सकते हैं ऋषिकेश के ताज़ा दृश्य, गंगा जी का रौद्र रूप आज देखने को मिल रहा है और बहाव जो है गंगा जी का इतना तेज है ना, ये पुल में कितनी तेज टकरा रहा है, जहाँ पर भोलेनाथ की प्रतिमा है उस पुल के ऊपर से होकर इस समय गंगा जल की धारा बह रही है। 2 दिन से पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसी का असर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में गंगा जी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, परमार्थ निकेतन घाट पर देखिए कितना तेज बहाव है इस समय गंगा जी का। फाइनली हम पहुंच चुके हैं राम झूला के पास और बारिश जो है एक बार फिर से तेज शुरू हो चुकी है, तो आप सभी को राम झूला के आसपास के जो दृश्य हैं वो दिखाएंगे और यहाँ पर गंगा जल का बहाव कितना है ये सभी जानकारी देंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो इस घाट के यहाँ पर पास में जो घाट है उससे संबंधित है, तो वीडियो को पूरा देखना है और राम झूला के जो व्यू हैं वो भी दिखाएंगे। राम झूला इस समय जो है खाली खाली नज़र आ रहा है, ये देखिए मेरे बैक साइड में बस कुछ ही लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सामने देख सकते हैं राम झूला के शानदार सुंदर नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कम मुश्किल से अगर पूरे झूले पुल में देखा जाएगा तो 20 लोग हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग इसी पुल के माध्यम से आवाजाही करते हैं, गंगा जी को पार करते हैं। बारिश तेज होती जा रही है और ये वो घाट हैं, जब तेज़ बहाव हो जैसे कि अभी बहाव है तो यहाँ पर स्नान ना करें, यहाँ पर स्नान करने से बचें, क्योंकि तेज़ बहाव है, रेलिंग का कोई पता नहीं है यहाँ पर, कब कितनी गहराई है, कहाँ पर कितनी गहराई है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप गंगा जी की अगर 4 बूंदों को अपने सर में लगा लेंगे, अपने माथे से लगा लेंगे ना, तो वो भी बहुत ही एक तरह से स्नान ही माना जाएगा। या तो आप किसी ऐसी घाट पर स्नान करें जहाँ पर प्रॉपर रेलिंग लगी हो, ज़्यादा रिस्क ना हो। और अभी हम राम झूला की ओर आपको ले चलेंगे, राम झूला के पास से दर्शन कराएंगे। देखिए राम झूला के सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं और ये घाट भी है ना काफ़ी हद तक डूब रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ वो दृश्य, ये देखिए कितना ज़्यादा ये घाट डूब रखा है। यहाँ पर नॉर्मली इस सीढ़ियों के रास्ते से उतरकर लोग इस तरफ जाकर स्नान करते हैं, लेकिन सभी जगह पर जितने घाट मैंने आज दिखाए हैं ना, सभी जगह पर जल का बहाव तेज है। सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं और अब चलते हैं राम झूला में, पास से आपको दर्शन कराते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं ना ये खाली रहती है, सॉरी भरी रहती है श्रद्धालुओं से, लेकिन अभी जो है पूरा खाली है। अब करते हैं राम झूला में एंट्री, यहाँ से राम झूला में एंट्री करते हैं। ये देखिए चलते हैं पास से, अच्छे से दर्शन कराते हैं। सभी लोग कमेंट में जय श्री राम लिखते जाएंगे,
राम झूला के दर्शन है तो जय श्री राम लिखना तो बनता ही है। जय श्री राम लिखते जाइए। ये सारी जो वीडियो आपने देखी है ये 13 सितंबर की है। कई जो मुख्य घाट हैं ऋषिकेश के वो आपने देखे हैं। अब हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे ही लगातार आपको हरिद्वार के दर्शन कराते रहेंगे, ऋषिकेश के दर्शन कराते रहेंगे। देखिए यहाँ से पूरा जल दिख रहा है, धारा पूरी दिख रही है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके बताना और शेयर तो ज़रूर करना है। ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, दर्शन करते रहें। जय माता दी, जय गंगे माता।